सदाबहार डांस और यासिर और आसिम की खुफिया बातें। मेरे पैसे लाए यार, वो दोनों इमरान अशरफ ने छीन लिए, तो इंतजार नहीं देता। तू जहाँ लाश छुपा, मैं तो मिलता हूँ। थोड़ा आयशा उमर का चिकन सॉस और अली सफीना का पाकिस्तान के हालात पे तबसरा। I swear, मुझे नहीं पता। तुम्हारी भेजी हुई चूड़ियां देखी है मैंने आहिल? वो चूड़ियां मैंने नहीं भेजी। अच्छा, और जो तुम्हारे स्केचेस बनाए हैं उसने, और जो खतों किताबत चल रही है तुम दोनों के दरमियान, सब पढ़ चुकी हूँ मैं। सारी हदें तोड़ जाएगी तो मैं तुम्हारे तक पहुंची हूँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब तो मैं मर जाऊं या तुम मुझे संसार कर दो, वापसी की गुंजाइश ही नहीं। आहिल, आहिल सलाउद्दीन, देखा, कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, इधर ही खड़े रहेंगे, और कुछ भी नहीं हो सकता मेरे लिए, कुछ भी नहीं करेंगे आप मेरे लिए। इस फसाद को आज जड़ से ही खत्म। भाई नहीं, भाई नहीं, अलिया मैं खून दूंगा तुम मेरी बहनों, खुदा का वास्ता है आपको, भाई नहीं। तुमने जो तमाशा करना था वो कर लिया, अब मुझे मर जाने दो और उसके बाद जो चीज मैं वो करना। भाई भाई भाई, मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो कहेंगे। मैं वादा करती, मैं वादा करती, भाई भाई प्लीज। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा? इस बात पे कायम रहना, क्योंकि अगर तुम इस बात से फिरी, ये गोली ही आए तुम्हारे सीने में उतरेगी या मेरे सीने। कुछ नहीं करूंगी मैं, वो सब करूंगी जो आप कहेंगे। अलिया, तुम्हारी रुखसती इसी घर से जुम्मे को होगी। क्या हुआ? फोन करके भूल गई। लो, फिर से भूल गई। शुक्र है खुद को भूल के नहीं आ गई तुम। तुम ओवर ना हुआ करो, फोन नहीं करा। जल्दी करो यार, देर हो रही है। ओके। ताने मुश्ताक भाई, कैसे हैं? जिंदा हूँ, मगर तूने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये क्या बदतमीजी? हमारी इज्जतों के साथ खेल के तू हमें ही तमीज और तहजीब का दर्स देगा? ऐसे घटिया खेल मैं नहीं खेलता। खेलने की कोशिश भी ना करना, वरना तुझे ऐसी जगह डाल दूंगा जहां से तेरे जिस्म की एक भी हड्डी नहीं मिलेगी। इतना बड़ा लावारिस समझा क्या? कुछ करके देख, तू भी नहीं मिलेगा शहर में। मुझतबा, हट जाओ यहाँ से। क्या तमाशा है? तुम्हारे किराएदार को समझा रहा हूँ कि ये शरीफों का मोहल्ला है, मगर यहाँ के मर्दों ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। मैं ना तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, हर किसी से पंगे लेने का शौक है तुम्हें। आग लगी है यहाँ पे, जब तक इसका खून नहीं कर देता तब तक ये पूछेगी नहीं, सुनेगी। जाओ ही नहीं करो, जाओ यहाँ से, जाओ। Yeah.
जरूरत थी उसके मुंह लगने की? अब मुझे क्या बताता, वो मुझे देखकर भड़क जाएगा इस तरह? इसका मतलब है कि आलिया ने मुश्तबा से कुछ कहा। जाहिर है उसी ने कुछ ऐसा वैसा बोला होगा, तभी इस तरह खूंखार हो रहा है वो। तुम फिक्र ना करो, मैं आज ही जाकर उसकी ट्यूनिंग करती हूँ। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। कुछ नहीं हो रहा, बस तुम कोशिश करो कि तुम्हारा मुश्तबा से आमना सामना ना ही हो। तो क्या करूं, हाँ डर कर घर पे बैठ जाऊं ताकि वो उल्टा मुझे चोर मान ले? मैं ये नहीं कह रही हूँ आहिल, एहतियात तो कर सकते हो ना। बस एक दफा शादी हो जाने दे, मैं खुद ही निमट लूंगा उससे। आहिल तुम खुश हो ना सुनहरी? मैंने ठीक किया ना? तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आदिल के साथ बहुत खुश रहो। खुश तो मैं आहिल के साथ रहती, आदिल के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तुम्हें पता है आलिया, शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता हो। और तुम्हें लगता है कि आहिल मुझसे मोहब्बत नहीं करता? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस कह रही। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है। वो बस आदिल के एहसानों के तले दबा हुआ है और मेरी कुर्बानी दे रहा है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता है। आलिया अगर ऐसी कोई बात होती तो वो कम से कम मुझे तो बताता। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सब कुछ बताता है? मैं इतना बड़ा दावा नहीं कर सकती, मगर हाँ भरोसा मत करो सुनहरी, कि ठोकर लगने पर सहारा तक ना मिले। क्या मतलब? आहिल बहुत पछताएगा, उसे पछताना पड़ेगा। आलिया तुम ये कैसी बातें करती हो, छोड़ो ना ये सब, तुमने तो अपना फैसला कर लिया है, अब तुम खुश हो जाओ। फैसला तो कर लिया है मैंने और अटल हूं मैं अपने फैसले पर, अब नहीं बदलेगा मेरा फैसला। बात है सुनहरी, आज तो अपने हुस्न से पूरी शाम सुनहरी कर दी तुमने। फजूल बातें ना करो, रास्ते से हटो। फजूल बात है, मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं तुमसे। ताला एक तो तुम दोनों बहन भाई के दिमाग पे पता नहीं क्यों मोहब्बत सवार हो गई है। मैं आज बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं, मेरा रास्ता छोड़। मैं भी संजीदा हूं सुनहरी, तुम एक दफा हाँ करके देखो, मैं वादा करता हूं कुल कायनात तुम्हारे कदमों में लाके ना सजा दी तो मेरा नाम बदल जाना। कौन सी घटिया फिल्में देख रहे हो आजकल? मैं तुम्हारी इन फजूल बातों से कभी मुतासर नहीं होने वाली, अब रास्ता छोड़ दो मेरा। सुनहरी एक दिन आएगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अच्छा सुनहरी पछताने वालों में से नहीं है, अब मैं जाऊं। जिंदगी का एक नया सफर मुबारक हो, खुदा मेरे दोस्त को दोनों जहां की खुशियों से नवाजे, आमीन। सुमन थैंक यू आहिल, तूने दोस्त होने का हक अदा कर दिया यार। अच्छा ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, जल्दी करो, मैं देर हो रही है, लड़की वाले वेट कर रहे हूं। हाँ। चल।
अच्छा मैं आता थोड़ी देर में, मतलब दो मिनट आ रहा हूँ। Excuse me, miss. एक लड़की है सुनहरी, आपने उसे कहीं देखा? बको मैं, इतना भी मेकअप नहीं किया मैंने। बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे मैंने वाकई नहीं पहचाना, मुझे नहीं पता था मेकअप से इंसान इतना अलग लग सकता। तुम तो ढंग से किसी लड़की की तारीफ करने भी नहीं आती। सुन जाओ। सुनो, तुम्हें मोती की खुशबू पसंद है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। इससे तो काम आ शुक्रिया, बहुत काम है मुझे, मैं जाऊं। ओके। इंतहाई घटिया किस्म के आदमी हो तुम आहिल सलाहुद्दीन। पहले मेरी बहन पे डोरे डाले और अब मेरे प्यार पे। जबान संभाल के बात करो मुस्तफा, आंखें और कान खोल के मेरी बात। बहन से की ज्यादती ना भूलों ना माफ की है। सुनहरी से दूर रह वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पांच मिनट में यहां से चला जा वरना थक्के मार के तुझे यहां से निकाल दूंगा। धमकियों से वो डरता है जिसके दिल में चोर। बहन की शादी मुबारक हो। आइए काजी साहब, आइए, दुल्हन यहाँ पर है, आ जाए। खबरदार, आगे बताना, मैं बता रही हूँ, मैं मार दूंगी अपने आप को, आगे मत आना। क्या क्या कर रही हो? खबरदार, करीम ना, करीम बताना। आलिया मेरी बात सुनो बेटा, आराम से बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मुझे कोई बात, आगे मत आना, मैं बता रही हूँ। सुनहरी बेटा, मुश्तबा को बुलाकर लाओ। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैं मार लूंगी अपने आप को। अच्छा ये छुरी तो हटाओ। नहीं नहीं बेटे, समझाओ मुस्तफा, देखो क्या कर रही है ये क्या हो रहा है? होश में हो तुम? मैंने कहा था ना मुझे मजबूर मत करें, आपने मेरी एक न मानी, अब मैं भी नहीं सुनूंगी। बात बाहर तुम्हारी बारात आई थी, खबरदार जो तमाशा बनाया। हाँ तो इज्जत का इतना ख्याल था तो मान लेते मेरी बात, लेकिन नहीं, आपकी अनाव तो सबसे बड़ी है ना, आपकी सब बैठ के इज्जत करे हैं। कोई आपकी इजाजत के बगैर सांस तक नहीं ले सकता, लेकिन आप भूल गए कि मैं भी आपकी बहन हूं। आखिर चाहती क्या तुम? आहिल के अलावा कुछ नहीं। जाइए मौली साहब।
ये निकाह पढ़ाए बगैर आप यहां से नहीं जा सकते। तुम्हारे इस वार का बदला मैं सूद समेत दूंगा आहिल सलाहुद्दीन। ये बाजी तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। क्या मतलब, आहिल ने क्या किया? ये आस्तीन का सांप तुम्हारी और मेरी इज्जत को डस चुका है। ये आलिया को तुमसे शादी ना करने के लिए वरगला रहा है। झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आहिल, मेरी बात सुनो। आहिल, मुझे मुझे पता है तुम डर रहे हो ना। मटर, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम मटर हो, इन दोनों से डर रहे हो, तुम प्रेशर में आ रहे हो। मटर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम लोग यहाँ से बहुत कहीं दूर चले जाएंगे। ये लोग हमें ढूंढ भी नहीं सकते। बस करो, तो क्या बकवास कर रही हो? झूठ बोल रही है आहिल जी। क्या कह रही है? बकवास कर रही है ये। मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। मैं दोस्त हूं तुम्हारा। आखिर तुम्हारे हक पर मैं डाका क्यों डालूंगा? ये तुम्हारा दोस्त है ना, इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। ये नहीं चाहता कि हमारे बीच में ये आए। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी, हमारी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम्हें कह रहा हूं आलिया, तुम चुप कर जाओ वरना। तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब वापस नहीं मुड़ सकते तुम। ये निकाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो तो मैं मरकर भी नहीं करूंगा। तुम जो चाहे कर लो। मुश्तबा, तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करो। मैं उससे बात करूंगी। उसे वापस लेके आओ सुनहरी, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं उसे अपनी इज्जत के साथ यूं खेलने नहीं दूंगा। मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। तुम प्लीज हमारा पीछा मत करना। मुझे उससे बात करने दो। मुझे उससे बात करनी है। आहिल, तुम बात तो सुनो। मुझे अकेला छोड़ दो सुनहरी, बेहतर है मैं यहाँ से चला जाऊँ। तुम भी वापस जाओ प्लीज। आहिल, बात कर ली तुमने? अब तुम बीच में नहीं आओगी। मुज्तबा, चलो भाई। तुम जहां भी जाओगे मैं मौत की तरह तुम्हारा पीछा करूंगा। मैं मौत से डरता हूं ना तुझसे। चल चलो। मुस्तफा, मुस्तफा, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस को, मुस्तफा, मुस्तफा।
भाई उठे उठे भाई 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 तुम्हारे इस वार का बदला मैं सूद समेत दूंगा आहिल सलाहुद्दीन। ये बाजी तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। ये आस्तीन का सांप तुम्हारी और मेरी इज्जत को डस चुका है। खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आलिया बढ़ गई कलेजे में ठंड। मिल गया सुकून। मर गया भाई, बर्बाद हो गई मैं। मनाओ जश्न, जश्न मनाओ सुनहरी। आलिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतना बड़ा जुल्म तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? कैसे? ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रही हूँ। तुम्हें क्या लगा, क्या लगा तुम्हें इतनी बड़ी घटिया चाल चलोगी और मुझे समझ नहीं आएगी? नहीं आएगी मुझे समझ? घटिया चाल? कैसी घटिया चाल, क्या कह रही हो तुम? डाइन हो तुम, खा गई मेरी और मेरे भाई की खुशियों को। तुम्हें तो ये लगता है ना कि तुम्हारा हक है हर अच्छी चीज पर, हर अच्छी चीज पर। उसको मेरे खिलाफ भड़काती रही तुम, भड़काती रही और वो मुझसे दूर होता गया, होता गया वो मुझसे दूर तुम्हारी वजह से। नहीं आलिया, मैं तो उससे तुम्हारे लिए बात करने, बात बात अगर तुम करती तो शायद वापस आ जाता, भाई ना मरता। तो मेरी दोस्त की सुनहरी निम्बू का निवाला मेरे से बांटा है, आपने से ज्यादा भरोसा किया तुम्हारे ऊपर। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अरे प्लीज 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 ऐसी बातें ना करो प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ये बातें मत करो। मेरा जिगर जल नहीं हो रहा है। क्या चला जाता अगर तुम यहाँ थोड़ा सा जर्फ दिखाते थे, भाई ना मरता। मेरा दिल आबाद हो जाता। लेकिन तुम ऐसा क्यों करती? क्या सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का? अरे तुम्हें सब क्यों कह रही हो? तुम्हें मां के लगता है कि इस सब की वजह मैं हूं? तो बड़े दावे करती थी कि वो तुम्हारी कोई बात नहीं डालता, तुम चाहती तुम उसे मना सकती थी, लेकिन तुम ऐसा क्यों करती? क्यों करती तुम ऐसा? मैं और भाई तो तुम्हारे रास्ते के कांटे थे ना, जिनको तुमने बड़ी चालाकी से हटाया। क्या खूब निभाई तुमने दोस्ती से मेरी, क्या खूब निभाई। अरे प्लीज ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूं।
मेरा सर बहुत छोटा है सुनहरी, मैं अपनी और भाई की खुशियों के कातिल को माफ नहीं कर सकती और ना ही उसे दोबारा मिल सकती। खुदा हाफिज। चला जाता अगर तुम यहां थोड़ा सा जरफ दिखाते थे, आईना मरता, मेरा दिल आबाद हो जाता। लेकिन तुम ऐसा क्यों करते? मेरा सर बहुत छोटा है सुनहरी, मैं अपनी और भाई की खुशियों के कातिल को माफ नहीं कर सकती और ना ही उसे दोबारा मिल सकती। वारदातें जो है वो कुछ ज्यादा ही होती जा रही हैं। जी फरमाइए। सर वो FIR कटवानी थी। किस चीज की? कत्ल की। कत्ल की? आप बैठे बैठे बैठे। किसका कत्ल हुआ? मेरी दोस्त के भाई का। अकरम लिखो, कहाँ रहता था वो? हमारे साथ वाले घर में। आप जानती हैं? जी सर, वो हमारे घर में किराएदार आया था। उसने कत्ल किया। नाम क्या उसका? आहिल, आहिल सलामुद्दीन। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। सही, काम जल्दी हो जाएगा। देखिए मुलजिम को ढूंढना इतना आसान नहीं, वो फरार भी हो सकता है। सर वो फरार नहीं है, मैं जानती हूँ कहाँ है। आप जानती हैं? अकरम फौरन नफरी तैयार करो, अभी रेड करना है। अबे जी हाजिर हैं। क्या है ये तो तुम मुझे बताओगे ना कि जब मैंने चेक साइन कर दिया था
तुमने पेमेंट क्यों रुकवाई? क्योंकि ये कंपनी तुम अकेले नहीं चला सकती। रियली? तो अब तुम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुझे ओवरराइड करोगे, मुझे? हाँ, कंपनी के लॉस में जाने से बेहतर तो यही है। कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट बनाए, मुझे कंसल्ट किए बगैर तुम फैसले नहीं कर सकते। ये चेक काउंटर साइन करो और अकाउंट से प्रोसेस करवाओ, और आइंदा मेरा चेक रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम्हारा एक्चुअल मसला क्या है? सलाउद्दीन ने तुम्हें इतने धोखे दिए हैं कि तुम अब किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे हाथ से निकल गया है, कहीं सलाउद्दीन का वो बेटा किसी दिन आना जाए जिसके स्कूल रिकॉर्ड्स में सलाउद्दीन का नाम है। याद है ना तुम्हें, तब भी तुम्हारे इसी दोस्त ने तुम्हें खबरदार किया था, जिसको तुम आज अल्टीमेटम दे रहे हो। आई एम सॉरी तखमीर, मुझे पता है कि तुम जो भी करते हो हमेशा मेरे फायदे के लिए करते हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है इससे हर चीज मेरे हाथों से फिसल रही है। आई एम लूजिंग कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, इवन माई सेल्फ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी। देखो रूबी, खामखा अपने ऊपर इतनी चीजें तारीख कर लेती हो, और मैं हर वक्त तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूँ, ऊपर से तुम मुश्किल से वक्त लगाती रहती हो। I'm sorry, Tawqeer, sir, I'm sorry. ठीक है, तो फिर जस्ट रिलैक्स, और उसके लिए सबसे अच्छी क्या चीज हो सकती है? कॉफी। और इस बार आई ऑल्सो नीड इट। I'll call for it. सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, और उस पर डटे रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन अगर इंसान फैसला कर ले कि उसने सच का साथ देना है, तो फिर उसका रास्ता कोई खोटा नहीं कर सकता। सुनहरी, कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए? नाश्ता भी नहीं किया तुमने। कुछ एहसास है कि मैं कितना परेशान हो रही थी? सुनहरी, तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ है ज़हन तुम्हारा? ज़रूरी काम था। अब वो क्या? बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए अपने जरूरी काम खत्म नहीं कर सकती? आलिया कितने बड़े सदमे से गुजरी है, उसे जरूरत है तुम्हारी। मुझे तो घर के कामों से इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं जाकर उसे तसल्ली दे सकूं। आप फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी उसके पास। आहिल का कुछ होता था, उसका नाम मत ले मेरे सामने। उसकी घटिया हरकत के बाद उसके घर में आना बनता भी नहीं है। सुनहरी, तुम्हें
पूरा यकीन है कि आहिल ने मुश्तबा को धक्का दिया था? आपको शक कैसे हो सकता है? हम उसे अपने घर में रखते हैं ना, ये सब होता, हमने उसे क्यों रखा अपने घर में? हमने क्यों रखा हमने उसे अपने घर में? सुनो बेटा, कौन सच्चा है कौन झूठा हम क्या जाने? मैं जानती हूँ कौन झूठा है, और उसे इस ज्यादती के लिए भुगतना पड़ेगा। माफ नहीं करूंगी उसे। क्या दुश्मनी थी तेरी? क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा। झूठ बोलता है तू, साजन बना। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, सब झूठ है। जो भी मुलजिम यहां आता है ना, यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। जाहिद, जी सर, इसे ड्राइंग रूम की सैर कराओ, सच उगलवाओ इससे। लेकिन जाओ सर। आप लोग जो करना है कर ले, लेकिन सच वही है जो मैंने आपसे कहा है। मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं। सच सच बता दे, अभी वक्त है तेरे पास। वो लड़की सुनहरी सब बता के चली गई है।